हेलो गाइस, माई सेल्फ योगेंद्र शर्मा अगेन वेलकम्स यू इन माई चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट ऑफ 10th क्लास एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ए लेटर टू गॉड ऑथर्ड बाई जी एल फ्यूंटस। बिफोर यू रीड द दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऐसा प्राय अनुमान लगाया जाता है। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम विश्वास किस पर करें, किस पर हम विश्वास करें? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस है, और यही वह प्रश्न है जो इस कहानी में बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। स्टोरी में क्या है बेटा, देखते हैं। लेंचो इज ए फार्मर, शॉर्ट में बताया जा रहा है आपको। लेंचो एक किसान है जो हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जो ईश्वर को पत्र लिखता है कब, जब उसकी फसल नष्ट हो गई होती है, बर्बाद हो जाती है। और किस लिए लिखता है? आस्किंग फॉर ए 100 पीसोज, 100 पीसोज मांगता है, वो 100 पैसों के लिए पत्र लिखता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र गॉड के पास पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसके लिए मनी भेजते हैं? थिंक वाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। हाँ, तो इससे पहले कि आप कहानी पढ़ें, एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं सोचें और अनुमान लगाएं बिफोर यू बिगिन टू रीड, इससे पहले कि आप कहानी को पढ़ते हैं। तो अब इसमें हम कहानी को देखते हैं, आप सोचें वैसे, लेकिन फिर भी अब हम वर्ड टू वर्ड इसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से, क्या है, क्या स्टोरी है इसकी। तो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने वाले हैं अब हम, देखें उसको। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, कि वह मकान जो उस पूरी घाटी में अकेला मकान था, एकमात्र था, उस एक निचली पहाड़ी की चोटी पर, क्रेस्ट माने चोटी होता है, क्रेस्ट मीन्स चोटी, उस पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। उस ऊंचाई से क्या होता हो सकता था, ऊंचाई से नदी तथा पके हुए मक्के के उस खेत को देखा जा सकता था, जो हर जगह से फूलों से, डॉटेड विद फ्लावर्स, फूलों से भरा हुआ होता था, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और जिसको देख करके हमेशा एक अच्छी फसल होने का भरोसा मिलता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर, और एकमात्र चीज जिसको जिसकी धरती को आवश्यकता थी, जरूरत थी, वो थी एक भारी वर्षा, डाउनपोर, और एटलीस्ट एट सॉवर, या छोटी मोटी बौछार हो जाए कोई, ये धरती की आवश्यकता थी, अर्थात पानी की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, तो पूरी सुबह को, पूरे समय लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत ही अच्छी तरह से, इंटीमेटली, अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, केवल एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल उत्तर पूर्व के आकाश को देखता रहा वो, उसको देखने के अतिरिक्त उसने और भी कोई काम नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, वुमेन उसकी पत्नी के लिए आया यहाँ पर, तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमें अब सचमुच ही कुछ पानी मिलने जा रहा है, हम कुछ अब पानी लेने जा रहे हैं, समझिए। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, तो वह महिला जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, तो जो बड़े लड़के थे उसके, वो खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के नज़दीक ही खेल रहे थे, छोटे बच्चे जो थे घर के नज़दीक ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, और अंत में उस महिला ने, अर्थात उनकी मदर ने, उन सबको बुलाया, कॉल टू देम ऑल, कम फॉर डिनर, रात्रि का भोजन करने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो भोजन के दौरान ही, ड्यूरिंग द मील, मील भोजन के लिए बोलते हैं,
तो भोजन के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने पहले प्रिडिक्ट किया था, पहले ही अनुमान लगा दिया था, घोषणा कर दी थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और दूसरी तरफ क्या था कि उत्तर पूर्व की दिशा से जो बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल थे उन्हें आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी बिल्कुल ताजी और सुहावनी थी, सुगंधित थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो वह व्यक्ति कौन? लेंचो। वह व्यक्ति बाहर गया और इसके अतिरिक्त तो उसका और कोई अन्य कारण नहीं था कि वह अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का अनुभव करे, वर्षा की बूंदों का अपने शरीर का से आनंद ले। एंड व्हेन ही एक्स सॉरी व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो उसने आश्चर्य से कहा, बड़े आश्चर्य से बोला वो, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आकाश से बूंदें गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़े जो सिक्के हैं वो 10-10 सेंट के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे छोटे जो छोटी बूंदें हैं वो 5-5 सेंट की हैं, बड़ी बूंदें 10 की हैं और छोटी 5 की हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइन कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। तो संतोष की भावना के साथ, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोष का भाव लिए हुए चेहरे पर उसने पकी हुई उस मक्के के उस खेत को देखा जो फूलों से भरा हुआ था और वर्षा की चादर से ढका हुआ था, ड्रेप माने ढका हुआ। तो उसको उनको देखा, बट सडनली ए स्टॉर्म विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या हुआ, सडनली अचानक एक बहुत तेज हवा बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उस वर्षा और उस हवा के साथ ही, उस वर्षा के साथ ही बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वास्तव में ही, रिजेंबल माने प्रतीत होना, एक जैसे लगना, ये वास्तव में ही बिल्कुल सिक्कों जैसे, सिल्वर के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, तो जो बच्चे थे वर्षा में भीगने की परवाह न करते हुए उन जमे हुए जो फ्रोजन पल्स थे, उन जमे हुए जो मोती थे उनको इकट्ठा करने के लिए बाहर आ गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने लगभग दुखी होते हुए कहा। एक्सक्लेम द मैन, मैन किसके लिए आया, लेंचो के लिए आया। तो उसने कहा कि अब सचमुच वास्तव में बहुत बुरा मौसम होता जा रहा है ये, आई होप इट पासिस क्विकली, और मुझे आशा है कि शीघ्र ही समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ, यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटे तक जो ओले थे वो घर पर और द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी की तरफ, द कॉर्नफील्ड मक्के के खेत में, ऑन द होल वैली, कहने का मतलब पूरी घाटी पर वो ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और खेत मैदान इस तरह से भर गए जैसे कि उनको नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का की जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी नीचे गिर गए टूट टूट करके। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो उदासी से भर गई। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान समाप्त हो गया, गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वह फील्ड के मिडिल में बिल्कुल बीच में जा करके खड़ा हुआ। एंड सेट टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से उसने कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि एक टिड्डियों का दल, प्लेग माने कहते हैं आक्रमण के लिए और लोकस्ट्स कहते हैं टिड्डियों के लिए, तो यदि एक टिड्डियों का दल भी आक्रमण करता तो इससे अधिक छोड़ देता वो, इससे अधिक बच जाता हमारे पास। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है।
दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस वर्ष तो मुझे लगता है कि हमारा अनाज होगा ही नहीं, हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफल वन, और जो वह रात थी बड़ी दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कहता है कि हमने इतना सारे कार्य किया लेकिन बेकार गया। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष तो हम भूखे ही मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देर वॉज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, परंतु उन सभी के दिल में जो उस घाटी के बीच में उस अकेले घर में रहते थे, उनके मन में सब में केवल एक ही आशा थी, और वो क्या आशा थी? ईश्वर से मदद की आशा। डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि सब कुछ लौटा हुआ सा प्रतीत होता है, सब बड़ा टोटल लॉस है हमारा, पूरा लॉस हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो और यही कहा जाता है कि भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, और वो आशा क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता थी केवल। हुज आइज, जो कहता कि ईश्वर के लिए कहता ये कि हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सिखाया गया था कि जिसकी आँखें, ईश्वर की आँखें सब कुछ देखती हैं, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, यहाँ तक कि किसी के अंदर मन में क्या है, अंतरात्मा में क्या है, वो भी वो देख लेता है ईश्वर। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो बैल की भांति काम करने वाला व्यक्ति था, मनुष्य के रूप में एक बैल था वो। बैल का मतलब कठिन परिश्रम करता था वो, वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड्स, जानवरों की तरह खेत में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी वह इस बात को जानता था कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, तो वो लिखना अभी जानता था। द फॉलोइंग संडे अ डे ब्रेक, तो जो आगामी जो रविवार था, डे ब्रेक सूर्योदय का समय, सुबह के समय ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, तो उसने पत्र लिखना शुरू किया, पत्र नहीं लगा जिसे वह स्वयं शहर लेकर के जाएगा और डाक में डालना चाहता था, एंड प्लेस इन द मेल, डाक में डालना चाहता था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये ईश्वर को पत्र के अलावा और कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, उसने पत्र लिखा कि ईश्वर, हे प्रभु, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना होगा। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेतों को फिर से बोने के लिए और टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल नहीं आती है तब तक अपनी आजीविका चलाने के लिए आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है क्योंकि ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनविलप, तो लिफाफे पर उसने पता डाल दिया, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को उसमें अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी दुखी होते हुए, स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन, नगर की ओर चल दिया, शहर की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर जा करके ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इन टू द मेल बॉक्स, और उसने उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, अर्थात पत्र पेटिका में, उसको डाक वाले डिब्बे में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन भी था एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस के कार्यों में भी हेल्प करता था, हाथ बटा देता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, बहुत ही खुल करके हंसते हुए, खूब हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और जो ईश्वर के नाम पत्र था, जिस पर ईश्वर का एड्रेस पड़ा हुआ था, वो पत्र उसे दिखाया जा करके। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उसने इस प्रकार का पता कभी भी किसी पत्र पर नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर जो कि एक फैट एमेबल फेलो था, जो कि एक मोटे शरीर वाला था,
जिस जो एक सद्भावना पूर्ण, कहने का मतलब मित्रवत व्यवहार रखने वाला था, ऐसा व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी हंसना शुरू कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वह थोड़ा सा गंभीर हो गया तुरंत ही, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। तो पत्र को डेस्क पर टपटपाते हुए वो कहता है, कमेंटेड, उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे अंदर भी उस आदमी जैसा विश्वास होता, उस आदमी जैसी आस्था होती जैसी उसके अंदर है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, ईश्वर के साथ उसने पत्राचार, कॉरस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार, ईश्वर के साथ उसने पत्र व्यवहार शुरू कर दिया, कितना विश्वास है उसका, काश मेरे अंदर भी ऐसा होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कहीं लेखक का अर्थात उस लेंचो का विश्वास ईश्वर से न डगमगा जाए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाना चाहिए। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने खोला उसको, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट बोले तो स्पष्ट, तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज और स्याही के अतिरिक्त किसी और चीज़ की भी आवश्यकता थी। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जो उसने निश्चय कर रखा था अपना, वो उस पर जमा रहा, डटा रहा अपने निश्चय पर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, जो उसके एम्प्लॉयज थे, जो कर्मचारी थे, उनसे उसने पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके अनेक मित्रों ने भी इस पुण्य के काम में कुछ ना कुछ योगदान दिया। चैरिटी कहते हैं पुण्य, दान के लिए बोलते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पीसोज, तो उसे 100 पीसोज तो इकट्ठे करने बहुत ही असंभव हो गए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान को केवल आधे से कुछ अधिक ही भेज पाया। ही पुट द मनी इन, उसने मनी को अंदर रखा। एंड एनविलप एड्रेस टू लेंचो, एनविलप पर लेंचो का पता डाला। एंड विद ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसके अंदर केवल एकमात्र शब्द वाला एक पत्र लिख दिया जिसमें लिखा हुआ था ईश्वर, गॉड लिखा हुआ था। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, तो आगामी रविवार को जो कि लेंचो सुबह से कुछ पहले ही वहाँ पर पहुँच गया, जल्दी आ गया थोड़ा सा, और यह पूछने के लिए किए कि क्या उसका कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो वह वही पोस्ट मास्टर था जिसने वो पत्र देखा था पहले, उसने ही उस जो गॉड की ओर से पत्र था उसको लेंचो को दिया। एंड वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, तो और जो पोस्ट मास्टर था वो एक ऐसे व्यक्ति को संतोष का अनुभव करते हुए जिसने कोई अच्छा काम किया हो उसको अपने ऑफिस में से देख रहा था, पोस्ट मास्टर भी अब संतोष की भावना से ऑफिस में से ही देख रहा था। तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसे को देखकर थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, थोड़ा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। बट सॉरी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसका विश्वास था, अडिग विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो वो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और कहने लगा कि ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह लेंचो को उस चीज़ को देने से इनकार कर सकता था जिसकी लेंचो ने उससे प्रार्थना की थी। इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए चला गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो साधारण व्यक्ति के लिए अर्थात आम लोगों के लिए जो टेबल होती है चिट्ठी लिखने की, उस पर गया।
ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, है, और कैसे लिखना शुरू किया, माथे पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स सलवटें बनाते हुए, माथे को सिकोड़ते हुए, कॉज्ड बाई द एफर्ट्स ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और वो उन प्रयत्नों के कारण बन रही थी जो उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करना पड़ रहा था, तो उनकी वजह से उसका इस तरह का चेहरा बन रहा था। वैन ही फिनिश, जब उसने पत्र समाप्त कर दिया लिखना, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प, वह खिड़की पर गया स्टाम्प खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिस पर उसने थोड़ा सा अपनी जीभ से गीला किया, थूक लगाया, और क्या किया, एंड देन एफिक्स्ड इट टू द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और फिर उसने अपनी मुट्ठी से दबाकर उस टिकट को लिफाफे पर एफिक्स कर दिया, चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो जिस क्षण उसने उस पत्र को लेटर बॉक्स में डाला, मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर उसको चेक करने के लिए आया, देखने के लिए आया, इट सेड, तो उस पत्र में क्या लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रेस्ट मी, कहने लगा हे प्रभु, जो पैसे मैंने मांगे थे उनमें से केवल कितने पहुंचे हैं मेरे पास, केवल 70 पैसे ही, 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए भी मेरे पास भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्यों, क्योंकि मुझे इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन जो मेरे बाकी पैसे हैं उन्हें डाक से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो डाकघर के कर्मचारी हैं, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, वो एक धोखेबाजों का समूह है, एक ठगों की टोली है, और नीचे उसने नाम लिख दिया लेंचो। तो आई थिंक गाइज यू मस्ट हैव understood everything what I explained before you.